कल प्रातःकाल चित्रगुप्त जी और हम स्वयं जाएंगे आपके विद्यालय और पता लगाएंगे कि वहां उत्पात होता है या नहीं। क्या हंस रहे हो? हैं? तेरी हंसी को बाधा कर लूंगा। बड़े पेचीदा इंसान है ये। भैया जी मेरी मदद करो। भैया जी दो नमूने आए इस कॉलेज में, कार्टून जैसे कपड़े पहन रखे, बेइज्जती कर दी चंकी बाबा की पूरे कॉलेज में। जिस भी घुसपैठिए ने तुम्हारी बेइज्जती की हम उसको इस कॉलेज में कदम तक नहीं रखने देंगे। अब अरे मेरी बात बात तो सुनो। चलिया तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा, क्या बोल रही हो तुम? हेलो, मुझे सिर्फ दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने थे। किसी को मेरी आवाज सुनाई क्यों नहीं देती है? आई डोंट नो। चलो वो मेरी आवाज सुनाई क्यों नहीं देती है मेरा? क्षमा चाहते, क्षमा चाहते देवी। ओह माय गॉड हाउ कूल, आपने ये कैसे कपड़े पहन रखे? आप लोग वैसे यहाँ के लगते नहीं। हु आर यू गाइस? गाय? देवी हम गाय नहीं है, हमारे पास एक भैंसा है जिसका नाम है प्रभु। देवी पूछ रही है आप कौन है, और पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को गाइस बोलने की प्रथा है प्रभु। ये पूछ रही है आप है कौन और कहां से आए हैं? ओ देवी हम यमलोक से आए हैं, यम है हम और ये हैं चित्रगुप्त। यमलोक? यम चित्रगुप्त जी। एक मिनट एक मिनट, मैंने आप लोगों के बारे में पढ़ा है। अवश्य पढ़ा होगा देवी, हम यमराज। Really? आप यमराज हैं? God of death? Oh my God, this is so exciting! प्रभु, हमें पहली बार कोई ऐसा मिला है जिसने हमारे बारे में सुना है प्रभु। वाह देवी वाह। देवी क्या सुनाया आपने? मैंने आप लोगों के बारे में एक चुटकुला सुना है। चुटकुला प्रभु? जोक जो। आपने वो जापान वाला चुटकुला सुना है जिसमें यमराज चित्रगुप्त को कहते हैं जापान लेकर आ और वो उनके लिए जापान ले आते हैं, सुना है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको सुनाती हूँ ना। एक बार यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं जा पान लेकर आ और चित्रगुप्त उनके लिए जापान उठाकर ले आते हैं। इतने कूल। प्रभु कूल का मतलब है ठंडा। देवी ये तो गलत है, कूल नहीं है। आप बहुत फनी हैं और क्यूट से भी। प्रभु चित्रगुप्त जी वैसे ये छोड़िए, आप ये बताइए कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट पर हैं कि नहीं, और अगर हैं तो जो हम RIP लिखते हैं वो आप देखते हैं ना? Anyway, forget that. मैं तो बहुत excited हूँ कि मैं आप दोनों से आज मिली हूँ। मैं जाकर अपनी मॉम को बताकर आती हूँ that I met you both, ठीक है? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। सुनते सुनते हमारे कान थक गए, किंतु इन देवी ने जो कुछ भी कहा हमारी समझ में कुछ नहीं आया। कोई बात नहीं प्रभु, बड़ी विचित्र किंतु अद्भुत देवी थी। चलिए चित्रगुप्त जी चले। अबे सीधे सीधे चलियो। शाबाश। बे ठीक से चलना ब्रो। कैसा चल रहा है चित्रगुप्त जी? जी प्रभु। आइए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर उत्पात यानी रैगिंग तो नहीं हो रही है? ओ रैगिंग, अरे ना जी ना, हम तो बस कतई इस बालक के साथ खेल रहे थे। कतई? प्रभु इस खेल का नाम शायद कतई है। कतई? कतई। अद्भुत पुत्र, फिर तो हम भी ये खेल खेलना चाहेंगे कतई। हम खिलाएंगे कतई जोरदार गेम तुम्हें। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये मनुष्य सभी को दूध कहकर संबोधित क्यों कर रहे हैं? पता नहीं प्रभु, किंतु लगता है इनको बड़ी मान्यता है। संगीत के साथ चल रहे हैं प्रभु। अवश्य कोई महायोगी होंगे। प्रणाम महायोगी जी। तो भैया खेल खेलना चाह रहे थे तुम? जी कतई। हम बताते हैं कतई खेलना कैसे। देखो भैया
खेल ऐसा है कि मार बंधेगी तुम्हारी आंख पे पट्टी और जो अखियों पे बनेगी पट्टी तो फिर तुम चलोगे पहिया पहिया। अवश्य अवश्य पुत्र। ए भैया जी को पुत्र पुत्र क्यों बोल रहे हो? ये भैया जी हैं, भैया जी। सही सुर लगाओ यार। ऐसा है हमें पुत्र ना बोलो, मामा जी जो हैं वो खुद टेंपर जो है लूज कर लेते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। फिर लगता है चित्रगुप्त जी इनके मामा जी ने इनका नाम भैया जी रखा है, हम इन्हें भैया जी नहीं बुलाएंगे तो मामा जी नाराज हो जाएंगे। क्षमा चाहते हैं भैया जी। चलिए खेल प्रारंभ करते हैं। बेटा राखी। भैया जी पट्टी बांधो जरा इनकी आंखों पे। अब ये बताओ कितने? वैसे तो 5 है किंतु आपने केवल 3 खोली हुई है। यार पट्टी उट्टी ढंग से नहीं बांधी हो क्या? बांधना था भैया जी। डबल मारो यार। बांध दिया। 4। भैया जी तुक्का लगा रहे हैं, कुछ चला के दिखाइए ना, सब पता चल जाएगा। उनका तुक्का, भैया जी का छक्का। ऐसा है अब जरा जनाब आप चल के दिखाइए। जी भैया जी। अरे 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 रुक जाइए, ऐसे नहीं। हाँ, अब चलिए। पुत्र ये केले का छिलका यहां फेंकना अनुचित है, आपसे कृपया इसके उचित स्थान पर फेंके और ध्यान रखना वहां मत फेंकना जहां गधे कचरा फेंकते हैं चित्रगुप्त जी। वाह प्रभु वाह, आपने गेंद तो सीधा उस बड़ी वाली अंगूठी में डाल दी। चित्रगुप्त जी हम क्रिकेट जो खेले हैं। आइए भैया जी हम और खेलना चाहेंगे, अब बताइए किस दिशा में चलना है। प्रभु 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 बस 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 बस, अरे हम नहीं खेल रहे अब भैया, कोई पट्टी वट्टी खोलो इनकी यार, मामा जी जो है वो बोर हो रहे हैं अब। चित्रगुप्त जी प्रभु हम और खेलना चाहते थे भैया जी, देखिए हमें मजा तो बड़ा आ रहा था किंतु लगता है आप व्यस्त होंगे, ये खेल हम फिर कभी खेलेंगे। खेलने के लिए धन्यवाद, आपसे आज्ञा चाहेंगे चित्रगुप्त जी। जी चलिए हम चल के अपना कार्य संपन्न करते हैं, देखते कहीं कोई उत्पात तो नहीं कर रहा है। चलिए प्रभु। बचाओ यार तुम ढंग से। भैया जी बुरा मत मानना, ये जो है ना सबकी इज्जत को एक एक करके बाय बाय करते जा रहे हैं, पहले अपनी गाड़ी से मेरी इज्जत को बाय बाय किया और अब इस खेल से आपकी। अब मेरा मतलब है इन सबकी इज्जत को बाय बाय कर दिया। बेटा चंकी चिंता ना करो, जिस बाइक से तेरी बाइक का कचरा किया ना इसने, तो हम उस बाइक का ही कचरा कर डाले। कुल मिला के बात इतनी सी है कि मामा जी जो हैं बदला लेंगे अब बस।
अच्छा तो ये है उन नमूनों की गाड़ी? हाँ भैया जी, यही है वो। कचरा कर दो आज तो इसका, बारा कर देते आज इसे। आज इस सुपर बाइक को ऐसा उड़ाएंगे बे कि इसको उड़न खटोला बना देंगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम भी अपने मामा जी के भांजे नहीं। ये नादान पुत्र और इसका वाहन हमारी तरफ क्यों आ रहा है? हमसे टकराकर अगर इसका वाहन टूट गया तो महाराज नाराज हो जाएंगे, हम सामने से हट जाते। जी क्षमा चाहते हैं, हमसे टकराकर आपका वाहन टूट गया। वाहन टूट गया उसकी चिंता ना है हमें, मामा जी चाहें तो ऐसे 36 वाहन खड़े कर देंगे। लेकिन हाँ भैया, तुम्हारी टांगे नहीं टूटी इस बात का हमें गम है। क्या चूहे की टांगे क्या है? तेरी टांगे बाबा कर लूंगा। प्रभु आपकी टांगे खरीदना चाहते हैं पुत्र। भैया जी मुझे तो गड़बड़ लग रहे हैं ये नमूने, ये बाइक भी रिमोट से चलाते हैं और भिड़ने के बाद भी इनको कुछ नहीं होता है, कुछ तो गड़बड़ है भैया। गदाधारी राखी, तो ये कितने भी गड़बड़ क्यों ना हो हमसे ज्यादा गड़बड़ थोड़ी हो सकते हैं यार, हैं? हम कितने बड़े गड़बड़ हैं, बहुत बड़े। और अब जो हम गड़बड़ करने वाले हैं ना इनके साथ, वो तुम देख, अब गाड़ी हमारी तोड़ी है तो धक्का भी ये लगाएंगे। तो बात ऐसी है कि हमारी गाड़ी तो गई टूट, नुकसान किया है तुमने, और अब इस गाड़ी को तुम्हें गैराज भी पहुंचाना पड़ेगा। अब गैराज कैसे पहुंचाया जाए? गैराज पहुंचाने के लिए इसे धक्का भी तुम्हें लगाना पड़ेगा, और अगर नहीं लगाया तो ये समझ लेना कि फिर मामा जी नाराज हो जाएंगे। इतना तेज नाराज होंगे मामा जी, बस। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। धक्का मारने को कह रहे हैं, मार दीजिए प्रभु, वरना मामा जी बहुत नाराज हो जाएंगे। चलिए ठीक है, आप कहते हैं तो धक्का मार देते हैं, किंतु उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। भैया जी, मित्रों, हमें आपका ये सभ्य महाविद्यालय अत्यंत सुंदर और सभ्य लगा, और कल से हमारी भांजी यहाँ पढ़ने आने वाली है। विनती है आप सभी से कि उसका ध्यान रखिएगा। उनका नाम है शिखा कपूर। शिखा कपूर, ठीक है, आने दीजिए उन्हें कॉलेज, उनका हम खुल के तहे दिल से खुल के स्वागत करेंगे। बजाओ वेलकम ट्यून। अद्भुत, आपका धन्यवाद। चलिए अब धक्का मारते हैं। आन दो धक्का लगाओ। पुत्र एक बात बताइए, गैराज यहाँ से कितना दूर है? यही कोई 2 किलोमीटर बस। प्रभु आपकी 1.5 छलांग है, आहिस्ता धक्का मारिए। जी चित्रगुप्त जी। We'll be right back.
चले चित्रगुप्त जी, भैया जी का वाहन तो उनके स्थान तक पहुंच गया। अब हम चलते हैं, शिखा पुत्री से मिलते हैं। चलिए प्रभु। चल महेश। क्या बात कर रहे हो आप मामा जी? हाँ शिखा पुत्री, हम स्वयं उसका निरीक्षण करके आए हैं। वो महाविद्यालय बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही थी। हाँ शिखा पुत्री, वहाँ तो कोई रैगिंग नहीं करता, बड़ा ही मिलनसार और आनंदमयी माहौल था। हमें तो बहुत अच्छा लगा। एक बात पूछें, हमने भैया देखकर आए हैं, उनको बता रहे तो हम तो चिंता मुक्त हो गए। हाँ तसल्ली तो बिल्कुल नहीं हुई, उल्टा टेंशन हो गई है, पता नहीं क्या देख के आए होंगे। चुप कर रहे पापा जी। ये और यार, यम ने जो कह दिया मतलब सही है यार, सब कुछ सही है। क्या बेटिया, कल से तुम कॉलेज जा। हाँ शिखा पुत्र, और हमने वहाँ एक भैया जी नामक व्यक्ति को आपके बारे में बताया है। उन्हें हमसे कहा है कि वो आपका खुल के स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच मामा जी, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, कल सुबह उठते मैं कॉलेज चली जाऊँ। अद्भुत। तुम्हें से किसी का नाम शिखा है? ये शिखा कौन है यार? यार ये शिखा कब तक आएगी? ओ मैडम जी, आपका नाम शिखा है? हाँ। शिखा कपूर जी। भैया जी, भैया जी, अरे चलिए भैया जी, आपका वेट कर रहे हैं। आइए आइए। अभी माँ से जो याद है वो ये है, आप ही का इंतजार हो रहा है। माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं, और तो माँ के बराबर होता है मामा, मामा जी, समझे? भैया जी, शिखा जी, भैया जी, ये तो वही है जिससे मामा जी ने मेरे बारे में बात की थी, मतलब पहले दिन ही स्वागत होगा। वाओ। ये ले गिलास, और ये गिलास रख अपने सर पे, और अगर ये गिलास गिरा तो मैं तेने उल्टा टांग दूंगी। भैया जी, भैया जी प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे जान दें? भाई तुम्हारे मामा जी ने मार कॉलेज के बीच में कर दी हमारी बेइज्जती, और जब हमारे ही कॉलेज में हमारी बेइज्जती हो गई तो बस मामा जी नाराज हो गए, आग बबूला हो रहे हैं बे। खड़ी में देख के एक मिनट तक गिलास को धर लो अपने सिर पे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नृत्य का प्रदर्शन करना है। एक मिनट है, गिलास गिरना टूटना नहीं चाहिए, बता रहे हैं। अगर गिरा तो मामा जी का क्या रिएक्शन होगा ये सब जानते हैं। राखी भैया जी, कुछ म्यूजिक म्यूजिक बजाओगे? अरे अब भी लीजिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.